तीन टन कैपेसिटी का है और डी मतलब डीजल फोकलिफ्ट ट्रक है। तो डीजल का मतलब यह है कि इंजन रहेगा इसके अंदर, इंजन रहेगा, ट्रांसमिशन रहेगा और इससे ये मशीन जो है एक्सल रहेगा, तो इससे मशीन चलेगा। जैसे अपना नॉर्मल कार वगैरह चलता है उस तरह से ये फोर्कलिफ्ट होता है। इसमें क्या है कि जो लोड है वो, जैसे उसमें भी देखा था आपने फोर्क, उस फोर्क पे रहता है और उठा के इसको कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम्र, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू इंडिया वेयर हाउसिंग शो 2022, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट और वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन से ये प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स की नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? ऑल वेल, सब बढ़िया। बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? मेरा नाम राजीव कपूर है और मैं यहाँ पर एसोसिएटेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ जो कि ऑल इंडिया मार्केटिंग ऑपरेशंस देखता हूँ। और हमारी कंपनी जो है वो इंडिया की नंबर वन कंपनी है जो कि वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट और फोर्कलिफ्ट और अदर इक्विपमेंट जो कि वेयर हाउसेज में यूज़ होते हैं, हम उस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं। एस वेल नोन कंपनी है, आपकी ऑफिसेज कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ से होती है? हमारे 7 प्लांट हैं और अभी 8वां बन रहा है और हमारा ऑफिस जो है सूरज कुंड फरीदाबाद में, जस्ट दिल्ली बॉर्डर के बाजू में। और हमारे यहाँ पर 7 प्लांट्स में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे क्रेन्स बनते हैं, फोकलिफ्ट्स बनते हैं, ट्रैक्टर्स बनते हैं, तो काफ़ी बड़ी लोडर बैक होता है, काफ़ी बड़ी रेंज है। ये जो वेयर हाउसिंग शो है इसमें हमने जो फोर्कलिफ्ट डिवीज़न है उसके बारे में सब प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हुए हैं। सर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं सर। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये वाला जो मशीन है ये आपका पावर्ड पैलेट ट्रक है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो आगे लोड रहता है वो इस फोर्क्स में रहता है और इसको कहीं पर भी लेकर जाना है तो इसमें अंदर बैटरी लगा रहता है, तो बैटरी से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर ले जाता है। तो आपको लंबा डिस्टेंस जाना है तो आपको ये वाला इस तरह का मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन में क्या होगा कि आपको खींचना पड़ेगा। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, सीधा लगा हुआ है, तो ये डायरेक्टली जो है आप कितने भी डिस्टेंस में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो इसको पावर्ड पैलेट ट्रक या बैटरी ऑपरेटेड पैलेट ट्रक बोलते हैं। क्या सर किस तरह की बैटरी आपने यूज़ की है इसमें? इसमें जनरली एक्साइड का बैटरी रहता है, 24 वोल्ट का बैटरी रहता है और एक बैटरी जो है वो 4 घंटे 5 घंटे तक भी चल जाता है आपका ऑपरेशन के हिसाब से, कितना आप ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं। तो ये लोड कैपेसिटी मैक्सिमम क्या रहती है सर? इसमें आपका 2.5 टन भी आता है, 3 टन भी आता है जनरली। 2.5 टन कैपेसिटी, 2,500 किलो कैपेसिटी का रहता है ये। और स्पीड क्या है, अपने कस्टमाइज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? स्पीड थोड़ा जैसे आप टर्न लेंगे वगैरह थोड़ा कम हो जाता है स्पीड जनरली इसके ऊपर। ये पीछे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जब भी दूर डिस्टेंस लेवल करेंगे तो इसको आप ओपन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, और ओपन करके आप इस पर खड़े हो जाइए ताकि आप हर बार ही जाएंगे तो आप थक जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म रखिए, इसको हैंडल को ऐसे करिए और ये आगे पीछे इसको, इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं मशीन। यहाँ से आप दोनों हैंड ऑपरेशन है, इधर से भी इधर से भी। अगर आप राइट हैंड है तो राइट हैंड से ऑपरेट कीजिए, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कीजिए। तो ये एक इक्विपमेंट है ये इसकी। अगर आप इसके ऊपर चल रहे हैं तो आप साइड में नहीं गिरे, इसके लिए इसको खोल दिया जाता है ताकि आप साइड में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, मुड़ जाए तो कम से कम आपकी सेफ्टी रहेगी, पैर स्लिप हो जाए। तो इसके लिए इसको स्ट्रैडल्स बोलते हैं, ये इसमें एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन दिए गए हैं। किस तरह के मटेरियल किस तरह के इस्तेमाल किए सर? किसी भी तरह जो भी पैलेटाइज मटेरियल है, बॉक्सेस में आता है, जैसे आप बाकी रैक्स में देख रहे हैं वो मटेरियल, इसके ऊपर पैलेट मटेरियल लेकर और इसको आप जा सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है ये मटेरियल किस तरह के? ये वाला ये पूरा स्टील बॉडी बना हुआ है, ये हमारा एक एक्सक्लूसिव फीचर है। जो हमारे कंपटीशन का प्रोडक्ट है तो उसमें सब फाइबर है, ये एक्चुअल स्टील बॉडी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इतना मजबूत प्रोडक्ट है कि आपको मशीन खाली आपको बैटरी चेंज करनी है, नहीं तो इसको 8-10 साल 15 साल इसको चला सकते हैं, कुछ नहीं होता इस मशीन को। हाँ, इतना ये स्टडी इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा। इसी तरह इसी में आता है ये जो इक्विपमेंट है, आप कह सकते हो कि इसका जो है आप डिस्टेंस में जाना है तो ये लगेंगे, लेकिन ये इसमें क्या है कि आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, ये सारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए है। इसमें अगर आपको वर्टिकल लेकर जाना है, अब ये जो मशीन देख रहे हैं ये 6.3 मीटर हाइट तक जाता है और जितना भी ऊंचा ऊंचा रैक है जहाँ पर आपकी स्पेस कम है और आपको हाइट को ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर ये मशीन हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर भी
इसी का बड़ा भाई आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेम फीचर्स रहते हैं, सब कुछ रहता है इसके अंदर। ये मास्ट, इसको मास्ट बोलते हैं, इसके अंदर मास्ट लगा रहता है, इनके अंदर मास्ट नहीं है इस ये वाले इक्विपमेंट। तो इसमें आप हाइट पे जा सकते हैं, लोअर कर सकते हैं जितना आपको जाना है, ऊपर नीचे जाना है। तो सर ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकते हैं, ये भी? हाँ, हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगा ना एक दस, और वर्टिकल भी मूव करेगा, दोनों तरह से मूव। इसको इलेक्ट्रिक स्टैकर बोलते हैं, ये 2 टन कैपेसिटी में आता है। इसमें क्या है कि आगे पीछे का मूवमेंट जो है आपका, वो भी बैटरी से रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। ऊपर नीचे का मूवमेंट भी, ये आगे पीछे का मूवमेंट रहता है, ऊपर नीचे का मूवमेंट, यहाँ पर स्विच लगे रहते हैं, और ये स्विच से ऊपर नीचे का मूवमेंट भी कर सकते हो आप। जो ये फोर्क है, ये ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ये जो है इससे आगे पीछे का मूवमेंट आप कर सकते हैं। आगे जाना है, पीछे आना है, सब बैटरी से होता है। ऊपर नीचे का मूवमेंट करना है, वो भी बैटरी से होगा आपका। और मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ये इसका 2000 किलो के ऊपर ये उठा सकता है। अब इसी में इसमें जाएंगे तो इसमें जो ऊपर नीचे का मूवमेंट है, ऊपर नीचे का मूवमेंट तो इससे हो जाएगा, लेकिन इसको अगर लेके जाना तो आपको मैनुअली पुल करके लेके जाना पड़ेगा। और एक पुल कर सकता है एक आदमी? हाँ, आराम से पुल कर सकते हैं ना आप, दे सकते इसको पुल कर सकते हैं। इसको भी लॉक कर देंगे, अनलॉक करके ऊपर नीचे जो होगा वो हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू होता है, ऊपर नीचे का मूवमेंट इसके थ्रू होता है, और पुल करना है तो इसके पुल कर सकते हैं आप। तो ये अलग अलग आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बनाया हुआ है? अलग अलग आपको हाइट का इस्तेमाल करना है तो इलेक्ट्रिक स्ट्रैकर यूज़ करेंगे, अगर आपको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लंबा जाना है, तो आप उसमें फिर बैटरी ऑपरेटेड पैलेट ट्रक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको खाली हाइट चाहिए और डिस्टेंस कम है, तो आप सेमी इलेक्ट्रिक स्टैकर यूज़ करेंगे। इसी तरह से इसी रेंज में आगे आएंगे तो ये एक सीज़र लिफ्ट है, ये आपके मेंटेनेंस करने के काम आता है। जैसे आपको वो ऊपर बल्ब एसी का डक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, नहीं कर सकते। इसी तरह फैक्ट्रीज है, वो लाइट का बल्ब फ्यूज़ हो गया, आपको चेंज करना है, तो आपके पास कोई इसका इलाज नहीं है। तो उसमें इस तरह के एक जो आते हैं सीज़र लिफ्ट आते हैं, जो कि बाहर भी चल जाते हैं, अंदर भी चल जाते हैं, फैक्ट्री के बाहर अगर कहीं है या वेयर हाउस के बाहर काम करना है, वहाँ भी करना है। और हाइट क्या होगी, लिफ्ट क्या होगी? इसमें काफ़ी रहती है, इस पर्टिकुलर में आपका 12.5 मीटर तक जाता है जो वर्किंग हाइट है। और इसमें ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, इसमें आप 300 किलो से भी ज़्यादा का लोड ले जा सकते हैं, एक आदमी या दो आदमी जा सकते हैं, प्लस कुछ काम करना है, टूल लेके जाना है, तो वो भी ले जा सकते हैं। माइल्ड स्टील में होंगे? ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे रहते हैं, और हाइड्रोलिक सिलेंडर से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सीजर लिफ्ट बोलते हैं, सीजर की तरह काम करता है, कैंची की तरह काम करता है। तो सीजर लिफ्ट है, और इसका जो है 12.5 मीटर के आसपास। ये भी सर बैटरी ऑपरेटेड होते हैं क्या? ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसके नीचे सब बैटरी लगी है, तो इसको आगे पीछे जाना है, ऊपर नीचे जाना है, तो सब यहाँ स्विच लगे हैं, स्विच से जाता है, ऊपर नीचे जाता है, बैटरी ऑपरेटेड मशीन रहता है, सीजर लिफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर MPRR के हिसाब से रहता है, कितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से रहती है। तो 48 वोल्ट भी रहता है और 24 वोल्ट सिस्टम भी रहता है, वो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपको कितनी हाइट यूज़ करनी है, कितना वेट यूज़ करना है, उस हिसाब से इसका कैपेसिटी और वो। अभी दूसरा जो प्रोडक्ट आता है वो फोर्कलिफ्ट ट्रक है, ये जैसे ये वाला मशीन है, ये 3 टन का है, 3 टन कैपेसिटी का है, और डी मतलब डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक है। तो डीजल का मतलब ये है कि इंजन रहेगा इसके अंदर, इंजन रहेगा, ट्रांसमिशन रहेगा, और इससे ये मशीन जो है एक्सल रहेगा, तो इससे मशीन चलेगा, जैसे अपना नॉर्मल कार वगैरह चलता है उस तरह से ये फोर्कलिफ्ट होता है। इसमें क्या है कि जो लोड है वो, जैसे उसमें भी देखा था आपने फोर्क, उस फोर्क पे रहता है, और उठा के इसको कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं। जैसे ये वाले जो इक्विपमेंट जो आपको पहले बताए थे वेयर हाउसिंग, वो जनरली वेयर हाउस के अंदर चलते हैं, ये आप बाहर कहीं भी, बारिश है, धूप है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके टायर साइज़ बहुत बड़े रहते हैं। और डीजल से चलते हैं तो इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, आप अपना फ्यूल भरिए और इनको चलाते रहिए। तो इस तरह के इक्विपमेंट है, कोई भी इसको ठीक कर देता है। और ये हमारा जो इसमें तो यहाँ पर सर ये 30% से ज़्यादा मार्केट लगाया हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये काउंटर वेट लगा, इतनी कैपेसिटी होगी इसकी वेट? ये जो है ये कास्ट काउंटर वेट है, ये कम्प्लीटली कास्टेड काउंटर वेट है, और इसको जो है ये फिनिश का देखेंगे है ना, तो ये जो अगर लोड ऊपर ज़्यादा आ जाता है तो इसको फिर ये काउंटर वेट करने का काम करता है। तो इसका अगर फिनिश देखें, कुछ देखें, तो ये हमारा इंडस्ट्री में बेस्ट है। इसी का रीज़न है कि हम लोग इसमें
30% से ज्यादा का मार्केट शेयर हमारे पास है। वी आर नंबर वन मैन्युफैक्चरर से ज्यादा का मार्केट शेयर है एंड वी आर नंबर वन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोकलिफ्ट ट्रक्स इन द कंट्री, दिस टाइप ऑफ फोकलिफ्ट डीजल फोकलिफ्ट ट्रक्स। अभी इसमें जैसे आपने को बताया था ये डीजल वाला है, सेम मशीन जो आते हैं ये बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी ऑपरेटेड इसमें ई लिखा रहता है। अगर आप इसमें आएंगे तो इसमें ई लिखा रहता है, ई मींस इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब इसमें जैसे यहाँ पर काउंटर वेट है, इसमें 5 टन का है लेकिन काउंटर वेट छोटा है क्योंकि इसके अंदर बैटरी इतना बड़ा है। अच्छा, ये बैटरी का भी वजन यहाँ पर तो बैटरी का एज अ काउंटर वेट एक्ट करता है। तो 5 टन की कैपेसिटी बैटरी ऑपरेटेड है, जीरो पोल्यूशन, जीरो नॉइस, कुछ नहीं है, खाली पंप मोटर आप चाबी चलाइए, चलाते रहिए इसको और ये आपका 5-6 घंटे लगातार चलेगा, मतलब एक शिफ्ट का ऑपरेशन आपका एक बैटरी चार्ज हो जाएगा, फिर आपको बैटरी चार्ज कीजिए फिर पूरा एक शिफ्ट निकल जाएगा। तो ये 5 टन कैपेसिटी में। अभी हमने आपको 3 टन डीजल के बारे में बताया, 5 टन डीजल के बारे में हमारे पास पूरी रेंज है, 10-12 टन तक का मशीन हम इंडिया में बनाते हैं, प्लस हमारे इम्पोर्टेड टाइप्स हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनल कोई मशीन चाहिए, इम्पोर्टेड मशीन चाहिए, तो हम इम्पोर्टेड मशीन भी इसमें दे सकते हैं, वो अपना 16 टन 20 टन 35 टन तक दे सकते हैं। पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो 3 टन और 5 टन कैपेसिटी का मशीन ही सबसे ज़्यादा चलता है। सर अगर बात करें आपकी सर्विसेज की बात करें, सर वारंटी की बात करें, वो क्या इश्यू रहता है इसमें? ऐसा है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद में है और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो फरीदाबाद से थोड़ा आगे जाके पलवल से पहले एक जगह पड़ती है, बल्लभगढ़ और पलवल के बीच में, वहाँ पर हमारे 7 प्लांट हैं, उनमें से एक प्लांट में हम लोग फोकलिफ्ट ट्रक बनाते हैं। वहीं पर हमारा स्पेयर पार्ट्स का वेयर हाउस भी है और हमारा ऑल इंडिया नेटवर्क है, और जहाँ पर आप हमारा देख सकते हैं कि ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ आपको लोकेशंस में डीलर्स हैं या फिर हमारा खुद का आदमी होगा, हमारी खुद की ब्रांचेज हैं, तो चारों तरफ से हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी, कोलकाता, इधर गुजरात में कहीं पर भी चाहिए, या तो हमारा डीलर होगा या हमारा स्पेयर पार्ट लोकेशन होगा या फिर हमारा खुद का आदमी होता है जो इसको सर्विसेज करते हैं, ट्रेन मैन पावर है हमारे पास। और सर ये आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं, अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है उनके लिए? सिर्फ इसी लाइन का आदमी जब तक हम प्रेफर करते हैं उसको थोड़ा इस एरिया का नॉलेज होना चाहिए और उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, प्रोडक्ट को समझता होगा, और अगर उस एरिया में वैकेंसी है या हमारा डीलर एग्जिस्टिंग नहीं है और अगर कवरेज अच्छा है तो हम उनको डीलर बना देंगे। हम वो देखना एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है, अगर वो सब पैरामीटर्स पे उनका ऑफिस होना चाहिए, उनके पास सर्विस के टेक्नीशियंस होने चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, ऑपरेटर्स होने चाहिए, सेल्स का आदमी होना चाहिए, तो ये सब क्राइटेरियाज रहते हैं तो हम उनको डीलर के थ्रू हम लोग उस एरिया के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो सर अगर कोई आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहे या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और कॉन्टैक्ट करना चाहे, कैसे कॉन्टैक्ट करें? आप हमारे रेफरेंसेस कस्टमर्स बहुत सारे हैं, वहाँ से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ace-cranes.com है और हमारे ऑफिस के एड्रेस हैं, तो आप कहीं से भी हमारे वेबसाइट के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं। आप अगर इसको डिस्प्ले करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट मटेरियल हैंडलिंग रेंज है। तो इस तरह के मशीन मैंने आपको दिखाया था, ये मशीन दिखाया था, ये हमारा फोकलिफ्ट ट्रक है जो यहाँ पर रखा हुआ है, और हम लोग डुसान का फोकलिफ्ट भी इंडिया में करते हैं, ये कोरियन कंपनी है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट रेंज है और ये www.ace-cranes.com ये हमारा वेबसाइट है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि आपके पूरे वेयरहाउसिंग रेंज के प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद।